कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। इस वीडियो के अंतर्गत हम इसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे इसका चयन होगा, कैसे इसकी मेरिट बनती है, कैसे इसकी छटनी होती है, कैसे इसका कहीं कहीं इंटरव्यू लिया जाता है, कहीं मार्केट मार्कशीट की जो वेरिफिकेशन कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी, एक एक कर कर सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे, सारे टॉपिक पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपके मिल जाए। फिर भी अगर कोई सवाल आपका रह जाता है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जैसे कैसे होगी चयन प्रक्रिया, क्या होगी, मुझे चयन प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, फॉर्म को कैसे भरना, मतलब आवेदन कैसे करना है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में नहीं, ये फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे। बीएड बीटीसी डीएलएड में कौन फॉर्म भर सकता है, दोनों, या केवल बीटीसी, केवल डीएलएड, केवल बीएड, या सीटेट या यूपीटेट मान्य है या नहीं है, सीटेट में जूनियर या प्राइमरी, और प्राइमरी के लिए भी क्या क्या चीजें, तो बहुत सारे ऐसे सवाल, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, उन सभी सवालों प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक करिएगा, वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, और अगर इस पेज पे, इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। हम एक एक करके सारे तथ्यों पर बात करेंगे। पहले हम इस पर बात करते हैं कैसे होगी चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया के लिए जान लीजिएगा, इसमें ऑफलाइन मोड में आवेदन होगा, और ये प्रत्येक जनपद, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 75 जनपद में जहां जहां इसकी रिक्त पद होंगे वहां से इसकी विज्ञप्ति होगी। विज्ञप्ति के बाद वहां पर आपको फॉर्म भरना है, एक लिफाफे में जो टिकट होता है, टिकट लगाकर आपको फॉर्म भरने के बाद अपने डॉक्यूमेंट के साथ इसको भेज देना है। फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग के लिए आपको बुलाई जाएगी, तो जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ मांगा गया है उन सभी डॉक्यूमेंट को, मैंने वो सभी दस्तावेज जो आपके हैं, वो फोटोस्टेट जो आपने जमा किया, जो आपने डाक से भेजा था, उसकी ओरिजिनल प्रति और दो प्रति में फोटोस्टेट होगा, उसको ले जाके काउंसलिंग में जाएंगे। काउंसलिंग के बाद फिर इसके एक अंतिम मेरिट बनेगी, जिसको चयन सूची के नाम से जानते हैं, फिर जो जारी होगा उनका अंतिम रूप से सिलेक्शन और चयन माना जाएगा। फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म को कलम से भरना है, ऑफलाइन मोड में भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा जहां पे मैं आपको ये पूरा बताने का प्रयास करूंगा इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या क्या दस्तावेज आपको लगेंगे। बीएड बीटीसी में कौन भर सकता है, तो देखिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मैं बार बार आपसे कहूंगा, इसमें ध्यान दीजिएगा कि बहुत कंफ्यूजन है, और अलग अलग यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर आपको इस पर गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि मैं काउंसलिंग में सम्मिलित रहा हूँ कस्तूरबा गांधी, जिसकी पहले सेशन हुआ जनपद जौनपुर में, और तो वहां पे एकदम साफ और स्पष्ट रूप से ये विज्ञप्ति में जिक्र था कि जो कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती है इसमें केवल बीएड के अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केवल बीएड के अभ्यर्थी ही सम्मिलित हो सकते हैं। इस भर्ती में डीएलएड बीटीसी के अभ्यर्थी योग्यता अर्हता के पैमाने पर खरे नहीं उतरेंगे, इसलिए उन्हें आवेदन करने ना करने से कोई भी मतलब नहीं है। इसकी मेरिट कैसे बनेगी उस पर भी मैं बात करूंगा, इसकी मेरिट कैसे बनती है उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले ये बातें हम लोग और आप लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एकदम बातें समझ में आ गई कि यहाँ पे बीएड वाले केवल मान्य, बीटीसी डीएलएड इस फॉर्म को आवेदन नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कहीं विज्ञप्ति में अगर आपका जिक्र है तो भले, अन्यथा आप नहीं कर सकते। उसके बाद 6 से लेकर 8 तक, उसके ऊपर 9वीं 10वीं ग्रामीण प्राथमिक के लिए जो पद रिक्त होंगे उसके लिए टेट सीटेट भी जरूरी नहीं है। अभी आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि सर सभी पदों के लिए टेट सीटेट है, जी नहीं, सीटेट या टेट आपको पास करना, यूपी टेट हो या सीटेट हो, लेकिन ये जूनियर लेवल का होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे सर मैं प्राइमरी की पास हूं, क्या मैं आवेदन कर सकती हूं, जी नहीं, जूनियर का टेट या सीटेट आपको पास होना चाहिए, आपकी मार्कशीट पर पास लिखा होना चाहिए। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर हमें 82 नंबर चाहिए तब पास होंगे, मैं 84 लाई हूं तो क्या मैं आवेदन कर सकती हूं, क्या इसमें भी 90 चाहिए सभी वर्गों को, जी नहीं, आपकी मार्कशीट पर अगर पास लिखा, अगर आप जैसे एससी ओबीसी एसटी कैटेगरी में है तो आपको पासिंग मार्क 82 चाहिए, जनरल को 90, तो आप वहां पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गए आपको सीटेट यूपीटेट मानने, चाहे सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो, जूनियर आपके पास पास होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास डिग्री में जिस समय फॉर्म बने जाए उसमें बीएड आपके पास पास होना चाहिए, आप एरी बीएड अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बार डीएलएड अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। मेरिट कैसे बनती है मैं इस पर बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है और ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि सर इसकी मेरिट कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो कस्तूरबा गांधी की मेरिट प्रक्रिया है वो कैसे बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सर हमें ये जरूर बताइएगा कि जो कस्तूरबा गांधी में आवेदन होगा उसकी जो मेरिट प्रक्रिया वो कैसे बनेगी। मैं एक एक करके मैं बात करूंगा कैसे होगी चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया मैंने बताया ऑफलाइन मोड में होगी, प्रत्येक जनपद की विज्ञप्ति निकलेगी अलग अलग जनपद के, वहां पर आप उस ऑफलाइन फॉर्म को भरेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट जो मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट की फोटोस्टेट लगाएंगे, स्वप्रमाणित करके उसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे, फिर एक लिस्ट जारी होगी, आप अपने डॉक्यूमेंट को सत्यापन कराने के लिए लेकर जाएंगे, और वहां पर आपके डॉक्यूमेंट की काउंसलिंग होगी, मैंने प्रिंट फोटोस्टेट
लिया जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग बाद मेरिट जारी की जाएगी अंतिम, उसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, उसके बाद अंतिम में चयन सूची जारी की जाएगी और उनको उस हिसाब से मिल जाएगा। फॉर्म कैसे भरना मैंने बताया, फॉर्म ऑफलाइन मिलेगा, प्रत्येक जनपद का अलग अलग है, लेकिन इसमें जो लिंक आएगी टेलीग्राम पर, प्रत्येक जनपद का जो फॉर्म है आपको टेलीग्राम पर आप दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे तो क्लास के लिंक के साथ साथ आपको प्रत्येक जनपद की जिस तरह से फॉर्म आते जाएंगे आपको वहां पे मिलते जाएंगे। आप 75 जनपद के फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी है। या फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर भी फॉर्म आते जाएंगे, आपको मिलते जाएंगे। बीएड या बीटीसी को लेकर, डीएलएड को लेकर मैंने स्पष्ट बता दिया कि बीएड के अभ्यर्थी मान्य, बीटीसी या डीएलएड के अभ्यर्थी मान्य नहीं है। अगर आप आवेदन करते हैं चयन प्रक्रिया के बाद में अंतिम चरण में, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अंतिम में, तो आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 से 8 तक क्योंकि प्राइमरी लेवल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर बीएड ही भर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी भी, मतलब 9, 10, 11, 12 के लिए, वहां पर केवल पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड के आधार पर ही आवेदन कर सकते हैं, वहां पर टेट का भी मामला नहीं है। दूसरा सीटेट टेट मान्य, जी हाँ, सीटेट हो या यूपीटेट आप पास होने चाहिए, जी हाँ, इसमें आपके आरक्षण के हिसाब से 82 या 90 अंक होने चाहिए। इसके लिए कोई नहीं है कि इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट कैसे बनेगी इसको मैं आगे बताने वाला हूँ, इसकी जो मेरिट बनने की प्रक्रिया है वो कैसे मेरिट बनाई जाती है। तो यहाँ पे 82 या 90 नंबर आपको लाने हैं, यह आपके लिए मैंने एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया। आप चाहे सीटेट पास हो चाहे यूपीटेट पास हो, दोनों में से कोई एक पास होना है, हो सकता है आपको। दो बार मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूँ स्पष्ट करने के लिए बात है। और आगे चलते हैं, हम और आगे आएंगे तो हम यहाँ पे बताएंगे मेरिट कैसे बनेगी, क्योंकि आपके मन में भी, सभी के मन में आ रहा होगा कि सर पहले ये बताइए कि मेरिट कैसे बनेगी, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट बनने का प्रोसेस क्या है, जैसे 10th, ध्यान से देखिएगा, 10th अगर आप 10वीं में हैं और 12वीं में हैं, इसमें जितना भी परसेंटेज आप पाएंगे, कोई 67 है 80 है, जितना भी पाएगा, इसका जो है आपको 10% जो भी आपका आएगा, जैसे मान लेते हैं 67% है तो आपका 6.7 बनेगा, माने आपके 10th के जो परसेंटेज है उसका 10%, माने इसका जो परसेंटेज है 10th का उसका 10%, 12th जो है, जो 12th है इसका परसेंटेज का, ठीक है, परसेंटेज कितना 10%, तो यहां पर आपको ये ऐड करने, ये क्या करना है, ये ऐड होगा, मतलब यहां इन दोनों के 10%। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए 10th में किसी के 60% है, जैसे आपके 10th में सपोज दैट 60% है, तो आप कितने बनेंगे, 6। अगर 12th की बात करें, मान लीजिए 12th में अगर आपके 70% है, सपोज दैट एग्जांपल मैं बता रही हूं, ये एग्जांपल है, ठीक है, 70% है, तो इसका 70% का 10% कितना बनेगा, 7, ये गुणांक बन रहा है, ये गुणांक में बनाना बता रहा हूं। फिर मैं बात करता हूं, ये 12th हो गया, मान लीजिए जैसे आपने यहां पे बीए किया हुआ है, ठीक है, आप यहां पे बीएससी हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट बीएससी हैं या बीकॉम हैं या इस तरह से, या बीबीए हैं, तो इस तरह से कोई भी कोर्स अगर आपने किया हुआ है, तो इसके क्या होगा, इसका जो मान लीजिए आप, आपने यहां पे भी आपने मान लीजिए 80% प्राप्त किया है, तो यहां पर मैं बता दूं ग्रेजुएशन का मतलब यहां पे 12+3 का, यहां पर इसका क्या होगा, 20%, कितना होगा 20%, माने कुल परसेंटेज जो है उसका 20%, मेरी बात समझिएगा, इसका जो कुल परसेंटेज होगा इसका हो जाएगा 20%, माने इसके 20%। अब इसके क्या हो जाएंगे, यहां पर हो जाएगा आपका 16 गुणा, क्योंकि 8 गुणे 2 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 16, तो यहां पर हमने देखा यहां गुणा। अब बीएड की बात करें, क्योंकि बीटीसी तो है नहीं, अगर बीएड की बात करें तो यहां पर इसका जो परसेंटेज होगा इसका 30% अगर निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर आप बीएड में मान लीजिए आप 60% अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से आप इसके टोटल जो गुणांक बनाएंगे आपका यहां पर गुणांक बनकर निकल जाएगा। अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाना चाहता हूं, जैसे आप एकदम समझ ले इसकी मेरिट कैसे बनानी है। हाई स्कूल 10%, इंटर माने हाई स्कूल और इंटर के जो परसेंटेज आपने पाए उसका 10% 1/10 जो होगा वो आपका गुणांक बनेगा। ग्रेजुएशन जो आपका ग्रेजुएशन होगा उसका 20%, बीएड का 30%, इसके आधार पर जो टोटल आपकी उसी गुणांक के आधार पर आपका चयन होगा। इसकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, एकदम ध्यान रखिए, एकदम जान लीजिएगा, इसके लिए कोई भी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। एक बात क्लियर हो गया, गुणांक इसे कब हो गया, 7, 6, 13, 13, 6, 19, 19, 8, 27, 2 हो गया, 2, 2, 4, मतलब एक तरह से सपोज दैट गुणांक कितने बन गए, 47। तो एक एग्जांपल है, अपने परसेंटेज के हिसाब से आप इसका निकाल सकते हैं, ठीक है, 13, 6, 19 और 19, 8, 27, 2, 2, 4,
ठीक है, देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन गलती तो नहीं हुई, ये बता दिया मैंने मेरिट कैसे बनती है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ एक एक करके। देखिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बी एड, बी टी सी, टेट की मार्कशीट है, सीटेट, टेट और सीटेट जो मार्कशीट है। उसके अलावा आप अगर जात प्रमाण पत्र जैसे एस सी एस टी ओ बी सी हैं, एक्स सर्विसमैन, क्योंकि यहाँ पे महिला के लिए ध्यान रखिएगा केवल महिला ही आवेदन कर सकती हैं इस फॉर्म को, अब से केवल महिला ही आवेदन कर सकती है, पुरुष नहीं आवेदन कर सकते, केवल शिक्षिका ही आवेदन कर सकती है। तो जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए ध्यान देने योग्य बात है कि आपको जैसे जो भी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर सामान्य में अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लीजिएगा, और ये हाल फिलहाल का होना चाहिए आपके पास। उसके साथ साथ आपकी बीएड की डिग्री की फोटो स्टेट होगी, ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा इतने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो पहचान पत्र में फोटो जैसे आधार कार्ड आपका, पैन कार्ड आपका होना चाहिए। तो ये चीजें, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऐसा तो चालू ऐसा नहीं आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो गई आपको फोन ही नहीं लग रहा है, तो याद रखिएगा कि आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी हो, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। माता पिता का नाम हाईस्कूल के मार्कशीट के आधार पर भरा जाएगा, कहीं कोई त्रुटि होगी नाम में, कई लोग कहते हैं सर मेरे हाईस्कूल में ये था, इंटर में ये, लेकिन बीएड मेरा ये है, तो उसके लिए परेशान ना हो, उसके लिए भी प्रक्रिया है, उसके लिए एफिडेविट बनेगा, वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। किसी वीडियो में अगर आप वीडियो को फॉलो करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो उसमें एक मिनट के शॉर्ट्स में मैं बता देता हूँ, इंस्टाग्राम पर भी मैं डाल देता हूँ कि अगर आपकी त्रुटि है कोई तो उसको कैसे करना है। तो यहाँ पे मेरिट प्रक्रिया थी मैंने बता दिया, केवल महिला आवेदन कर सकती हैं, केवल बीएड के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं, इतनी बात आपको स्पष्ट होगी। सैलरी भी मैंने बता दी है। अब यहाँ से आपके मन में अगर कोई प्रश्न आ रहा, कोई सवाल आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, इसके मेरिट के आधार पर ही अंतिम चयन होगी। कितनी कट ऑफ पिछली बार गई थी इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे, आपके अगर कोई सवाल होंगे, कोई डाउट होंगे, तब मैं उस पर मैं काम करूंगा, उस पर भी मैं बता दूंगा किसको कौन से विषय पे चयन होना है, उस विषय की प्रक्रिया क्या है, उसको भी मैं आगे इसी वीडियो में मैं एक एक करके चर्चा करने वाला हूं, उसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हाँ, वीडियो को शेयर करिए, पैसे नहीं लगेंगे, मैं आपसे बार बार कहता हूं, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, कर भला तो खो भला, मैंने आपको पहले बताया ना, जितना लोगों तक पहुंचाएंगे उतना मुझे भी खुशी मिलेगी, हाँ यार आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं, अच्छा मेरी मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। अब इसकी कुछ योग्यता है, ऐसे कॉमन योग्यता जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, मतलब आपके मन में प्रश्न आते हैं, उन पर भी मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ, शायद आपको ये काम में आ जाए। इस वीडियो को मैं बार बार कहूँगा शेयर करिएगा। अच्छा, अगर आप नोट्स, कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हैं लर्निंग विद दुर्गेश से आपको नोट्स मिल जाए, तो आप इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इसकी कोई परीक्षा नहीं होती, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी की नोट्स के लिए आप यहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी है, टेट है, सीटेट है, सुपर टेट है, केबीएस, डीएसएसबी, वीडियो और एग्जाम, इन सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर लेते हैं। अंग्रेजी टीचर की योग्यता क्या, अंग्रेजी से प्रशिक्षित स्नातक हो, वह अपर प्राइमरी लेवल की टीटी पास होना चाहिए। टीजीटी परीक्षा के लिए बीएड अनिवार्य है। जैसे अंग्रेजी टीचर के लिए अगर टीजीटी लेवल की बात करें, तो अंग्रेजी से प्रशिक्षित स्नातक हो, अपर प्राइमरी लेवल की टीटी होना चाहिए, अपर प्राइमरी लेवल की टीटी होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मैं वहां पर पीछे बताया था, यहाँ पे फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ। गणित टीचर की योग्यता क्या है, पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित होना चाहिए, प्रशिक्षित का मतलब दो वर्ष से प्रशिक्षण होना चाहिए, बीएड की बात कर रहा है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री में था, आप ये जान ही रहे हैं। स्नातक वो अपर प्राइमरी लेवल में टीटी होना चाहिए, टीजीटी बीएड, मतलब गणित टीचर के लिए स्नातक अपर प्राइमरी लेवल की, स्नातक भी हो और अपर प्राइमरी लेवल का टेट होना चाहिए, टेट में सीटेट और यूपी टेट हो, टीजीटी बीएड के लिए। टीचर विज्ञान के लिए क्या है, जेडबीसी, ठीक है, जेडबीसी हो गया आपका, क्या हो जाएगा जेडबीसी, स्नातक वो अपर प्राइमरी लेवल की टीटी, टीजीटी और बीएड हो। सामाजिक विषय के लिए योग्यता, भूगोल और इतिहास, नागरिक शास्त्र में किसी एक प्रशिक्षित स्नातक हो, अपर प्राइमरी लेवल की टीटी हो, माने टीटी अनिवार्य है, टीजीटी हो चाहे प्राइमरी लेवल हो, सबके लिए टेट अनिवार्य है, टेट या सीटेट, और वो भी जूनियर लेवल का। भाषा की बात करें, हिंदी संस्कृत विषय की योग्यता, हिंदी और संस्कृत में से स्नातक अपर प्राइमरी लेवल टीटी, टीजीटी बीएड के लिए। तो यहां पर जो आपके विषय थे ना, वो मैंने एकदम क्लियर करके बता दिए। फिर भी मैं नहीं चाहता इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है, इसके अलावा कोई सवाल है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि सभी के सभी सवालों का जवाब मिल जाए। उनकी योग्यता क्या है, उनकी योग्यता पे मैंने बता दिया, इसके अलावा भी आपके मन में सवाल आता है, सैलरी मैंने बता दिया 22,000 रुपए है, और फिर भी कोई सवाल है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इलेनी मित्र के ऑफिस का नंबर है, आप चाहते हैं कि सभी क्लास की वीडियो लिंक मिलती रहे, तो निःशुल्क क्लास के लिए एक नंबर है, उसे भी आप लिख लीजिएगा।
ये नंबर में अपना नाम जिला लिख के भेजेंगे तो सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पे इलनी विद दुर्गेश को लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। विज्ञप्ति जो भी जिले की आएगी वहां आपको मिल जाएगी, इलनी विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इलनी विद दुर्गेश ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे एनसीईआरटी समेत सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं टीजीटी पीजीटी की और जो भी जानकारी थी वो आपको यहाँ पर मिल गई। इसके बाद हम पीजीटी, ये टीजीटी को अगर पीजीटी से जुड़ा हुआ जो विषय का सीरीज है वो भी मैं इस पर डाल दूंगा। अगर चाहते हैं इसके अलावा मैं इस पर और वीडियो आपके बना के दूं तो कमेंट करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करिएगा ताकि मैं उस टॉपिक पर आपकी वीडियो बना के दूं। एक एक मिनट में वीडियो बना के दे दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा, उसे भी जाकर आप देख पाएंगे, कम समय में आपकी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया, अब यहाँ से आपके मन में कोई प्रश्न नहीं बचा है कि मेरिट कैसे बनेगी, कैसे चयन प्रक्रिया होगा, कैसे सीटेट मानना है या नहीं, तो पूरी बातें मैंने एकदम स्पष्ट कर दिया। अब कोई सवाल तो नहीं रह गया ना आपके मन में कस्तूरबा गांधी, क्योंकि शिक्षिका बनना, ये भी याद रखिएगा, केवल महिला टीचर होंगी, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे पहला बताया केवल महिला शिक्षिका होंगी, केवल महिला शिक्षिकाओं का ही केवल चयन होना है तो पुरुष आवेदन ही नहीं कर सकते। जनरल के लिए जाति प्रमाण पत्र हो, अभी मैं एक बार देख लूँ कोई डॉक्यूमेंट छूट तो नहीं रहा, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा, और कोई त्रुटि है तो उसके लिए भी मैंने बता दिया। फिर भी कोई सवाल है, फिर भी कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछिएगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। देखिए मैंने आपसे पहले वादा किया है, अब की बात एक सीट हमारे, क्योंकि ये शुरुआत है और आपको सरकारी शिक्षक भी बनना है तो ये सरकारी शिक्षिका ही है, लेकिन आप उसके लिए सुपर टेट की तैयारी करते रहिए, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहिए, नए दिल्ली में दुर्गेश के नोट्स भी मंगा के घर पे तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई परीक्षा नहीं होनी है, मैंने आपको कई बार बताया, इसमें आप कोई परीक्षा नहीं होगी, केवल मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट कैसे बनी को भी मैंने एकदम स्पष्ट बता दिया। तो फिलहाल आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा पहुंचाइएगा, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। प्रतिदिन क्लास की जो लिंक है टेलीग्राम पर मिलती है, 9 बजे हमारी क्लास आती है। अच्छा, इसके अलावा जो भी एक बात मैं बताना भूल गया, सुपर टेट विद दुर्गेश सर यूट्यूब चैनल है, जहां पर कस्तूरबा गांधी जुड़े सभी सवालों की वीडियो वहीं पर अपलोड हो जाएंगी, तो वहां पर जाकर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, सारी बातें वहां पर स्पष्ट हो जाएंगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि सुपर टेट विद दुर्गेश सर यूट्यूब चैनल, उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, लेकिन आने वाले जो वीडियोज है ना वो आपको सुपर टेट विद दुर्गेश सर यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर ही आपको कस्तूरबा गांधी से जुड़े हुए सभी वीडियो मिलेंगे। उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, सारी वीडियो को शेयर खूब करिएगा ताकि हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए अगले टॉपिक पर। थैंक यू सभी का, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कोई व्यक्तिगत सवाल हो तिल्लानी विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सभी को थैंक यू। ठीक है, सभी का थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शेयर करिएगा। लेकिन हाँ, फॉर्म भरना है और सिलेक्शन लेना है, कोई परीक्षा नहीं देनी है।